Yo, what's up guys, Jordan Gamer here, मेरा नाम है माइकल, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ GTA 5। तो गाइस पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हम लोगों ने फार्मा ट्रैक का एक ट्रैक्टर लिया था इंडियन का, वो भी दोस्तों हम लोगों ने सीमियन के कहने पर, मतलब सीमियन जो है फार्मर का जो बिजनेस है, न्यू बिजनेस जो सेटअप करना चाह रहा था वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो हम लोग दोस्तों जो है फार्मर की हेल्प करने गए थे। फिलहाल इस वीडियो में आप लोग देख पा रहे हो येरा गाइस ट्रेवर जो कि बिल्कुल फुल जॉम्बी मोड में है, और येरा गाइस हमारे साथ फ्रैंकलिन और अंदर लेस्टर सोया हुआ है। लेस्टर एक बहुत तगड़ा प्लान बना रहा है गाइस। हम आपके एक, मतलब मैंने बहुत देर से देखा गाइस कि हम लोगों को यहाँ पर जो है एक नया सेंट बर्नार्ड डॉग लेना चाहिए। अब सेंट बर्नार्ड डॉग क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बिल्कुल ही बिल्कुल दोस्तों लार्जेस्ट ब्रीड है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी ब्रीड है, एकदम से बब्बर शेर लगती है अगर आप लोग उसे देख लो उसका जो फुल साइज़ है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ अभी लेस्टर मेरे साथ सोया हुआ है। ठीक है, मेरे साथ नहीं, मतलब मेरे घर पर आके सोया हुआ था, तो अभी लेस्टर हमारे साथ चलने को रेडी हो चुका है। लेस्टर ने बोला है कि मेरे पास 4 डायमेंशनल केज है जिसको हम कभी भी किसी के साथ कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मेरे पास कैरी है, और बाकी हम यहाँ पर 3 बाइक रखी हुई है, तीनों बाइक में दोस्तों हम लोगों को 3 डॉग्स लेके आने हैं। अब मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, सेंट बर्नार्ड दोस्तों GTA 5 पर तो नहीं है लेकिन हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कौन कर रहा है? पापा। तो उसके लिए गाइस हमें 3 डॉग की ज़रूरत है। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 3 डॉग कोई से भी हो सकते हैं। तो माइकल ने चूज़ किए हैं अपने फेवरेट डॉग्स, इसका नाम है पहला पिटबुल, दूसरा रॉटविलर और तीसरा एक देसी डॉग, जिसमें दोस्तों देसी भी थोड़ी बहुत स्टाइल होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है जंगलों में पकड़ने जा रहे हैं देसी डॉग को। तो आप लोग देख पा रहे हो गाइस हमारे पास जो है माइकल है, साथ साथ में लेस्टर है। लेस्टर के साथ पकड़ने दोस्तों हम लोग जो है सीधा जंगल पर पहुंच चुके हैं। लेस्टर की जो लोकेशन है वो बिल्कुल एंड है, वो सोचता है कि यहाँ पर कुछ देसी डॉग्स हमको देखने को मिल जाने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पर माइकल आता है लेस्टर को लेके, तो ऐसे करके हमें टोटल 3 डॉग्स को पकड़ना है। ठीक है, 4 डायमेंशनल केज तीनों के पास है, कभी भी दोस्तों हम लोग अपनी केज को ओपन करके उसे पकड़ सकते हैं। और गाइस हम लोग पकड़ेंगे कैसे, हम लोग स्टन गन से उसे मार के पकड़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टन गन दोस्तों थोड़ा बहुत नुकसान देती है, हालांकि दोस्तों थोड़ा बहुत तो पेनफुल रहता है, लेकिन ओ भयंकर, जैसे ही जिस लोकेशन पे हम लोग आए हमें हमारे ऊपर एक देसी डॉग ने काफ़ी खतरनाक अटैक कर दिया है। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों मैं अपनी स्टन गन को ढूंढता ही रह रहा हूँ कि भाई मेरे मुँह में हेलमेट लगा हुआ है तो मैं अच्छी तरीके से देख नहीं पा रहा था। फिलहाल दोस्तों मैं अब देख चुका हूँ, ये रहा गाइस वो देसी डॉग, और पहले शॉट पर दोस्तों ये जो है चक्कर खा के नीचे गिर चुका है जो कि काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था। लेकिन गाइस अब हमें पकड़ना है तो ये स्टेप तो हमें लेना ही पड़ेगा। तो जल्दी से बोलता हूँ लेस्टर को अपनी 4 केज डायमेंशनल निकाल ले। तो ओके गाइस आप लोग देख पा रहे हो ये रही गाइस उसकी 4D केज डायमेंशनल, जैसे डोरेमोन ने निकालता वैसे दोस्तों उसका केज है। उस केज में दोस्तों हम लोगों ने इसको जो है पकड़ लिया है, पहला हमारा मिशन जो है सक्सेसफुल हो चुका है, तो पहला स्टेप है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ से निकलता हूँ डायरेक्ट दूसरा डॉग पकड़ने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों मुझे जाना पड़ेगा फ्रैंकलिन हाउस पर। अब देखो माइकल यहाँ पर चालाकी कर रहा है, माइकल सोच रहा है कि इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए मुझे, तो हमारे पास जो दूसरा डॉग है रॉटविलर को ढूंढने से अच्छा हम लोग जो है फ्रैंकलिन का डॉग चॉप क्यों नहीं ले लेते हैं। ठीक है, तो गाइस आप लोग देख पा रहे हो माइकल दोस्तों शॉर्टकट ले, दुनिया में कभी भी दोस्तों जो है शॉर्टकट कभी लेने चाहिए लेकिन हर वक्त शॉर्टकट ठीक नहीं रहता। तो यहाँ पर दोस्तों बाबा ने बोले थे 3 प्योर डॉग मुझे चाहिए, तो यहाँ पर दोस्तों मैं चॉप को लाके अगर पेश करूँगा और फ्रैंकलिन को ये बात पता लग गई तो भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा डांट सकता है। लेकिन फिर भी रिस्क लेते हुए माइकल फ्रैंकलिन हाउस पर पहुँच चुका है, और जैसी गाइज यहाँ पर दबे पाँव रखता है घुसते ही दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर दोस्तों मैंने अपनी स्टन गन निकाल ली है और सामने दोस्तों मुझे जो है चॉप मिल जाता है। और गाइज मैं एक बात आप लोगों को बताना भूल गया, अगर आप लोगों ने पिछला एपिसोड जाके वॉच आउट नहीं किया है जिसमें दोस्तों हम लोगों ने चॉप को अल्टीमेट मॉडिफाइड कर दिया था गाइस, मैं तो भाई भूल ही गया था, आप लोग ने ये वाला वीडियो नहीं देखा जाके देख सकते हो, मैं तो गाइस भूल गया था कि बाबा ने इसको काफ़ी तगड़ा मॉडिफाइड कर दिया है जिसके कारण से इसके ऊपर बॉम्ब, मिसाइल या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब ही क्यों ना फोड़ दूँ मैं मर जाऊँ लेकिन वो नहीं मरेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई गाइस। अब मैं यहाँ से बच के कैसे निकलूँ मुझे समझ, ओ भयंकर, जैसे ही मैं यहाँ पा रहा ये आगे से ऑलरेडी खड़ा हो चुका है। ठीक है, और गाइस आप लोग देख पा रहे हो मेरी गन भी निशाने में नहीं लग रही, मैं इतना ज़्यादा कांप रहा हूँ क्योंकि गाइस ये डॉग है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रोड, बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रूअल हो चुका है और किसी को भी नहीं बख्शता है। तो आप लोग देख पा रहे हो ये गाइस कहाँ कहाँ से भाग भाग के मुझे पकड़ने आ रहा है, और गाइस मैं कैसे यहाँ से बाहर जाऊँ क्योंकि मुझे अब मैंने जो है धोखाधड़ी भी कर दी है, फ्रैंकलिन को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए। गाइस आप लोग देख पा रहे हो मैं लगातार इसे मारने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन इसको कोई भी असर नहीं है,
इतनी ज़्यादा बुलेट्स मैंने इसके ऊपर ताक दी, लेकिन गाइस कोई भी असर नहीं है। तो ये गाइस हमारा जो स्टेप था ये बहुत ही ज़्यादा बेकार स्टेप था, ठीक है। और तेरी एक बार वो हेल्थ देखो आप लोग कितनी ज़्यादा कम हो गई है। लेकिन अब मेरे को भागने का मौका मिल चुका है और अभी हम चलते हैं स्ट्रेट अवे अपने सेकेंड मिशन पर। मैं आप लोगों को डायरेक्ट मिलता हूँ अपनी रोडों पर, तो हम लोग जल्दी से यहाँ पर भाग आए हैं। अब फ्रैंकलिन का कहना है वो देखते हैं कहाँ से हम लोगों को रॉटवेलर पकड़वाता है, तो जल्दी से जाके फ्रैंकलिन से मिलते हैं और दूसरी बाइक को पकड़ते हैं, क्योंकि ब्लास्टर ने बोला था कि तीनों बाइक में एक एक केज फ्री मिलेगा तुम्हें 4D, ठीक है। तो जल्दी से जाओ और फ्रैंकलिन के पास जाओ। तो गाइस मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट करके अपना फ्रैंकलिन के पास दोबारा से आ चुका हूँ। फ्रैंकलिन ने बोला बिलास गैंग के पास हमेशा उसे रॉटवीलर्स रहते हैं, तो हम वहाँ से जाके लेके आते हैं। इसमें थोड़ा सा जोखिम है, लेकिन गाइस हम लोग जाएंगे वहाँ पर, थोड़ी बहुत तबाही करेंगे और फ्रैंकलिन से वहाँ पर दोस्तों जो है हम लोग एक चॉप को पकड़ने वाले हैं, ठीक है, रॉटवीलर द डॉग को, ठीक है। तो अभी जल्दी से मैं चलता हूँ गाइस ग्रोव स्ट्रीट, क्योंकि आप लोगों को पता ही है गाइस ग्रोव स्ट्रीट पर ही दोस्तों बिलास गैंग रहती है और इन दोनों के मिक्सचर से दोस्तों हम लोग जो है सेंट बर्नार्ड को प्रोड्यूस करेंगे। प्रोड्यूस दोस्तों बाबा करेगा, पता नहीं क्या बनाता है, देखते हैं गाइस क्या होता है। वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक जरूर देखना। जो भी चैनल पर तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टिक कर लो, और जो भी वीडियो पे अभी नए हो तो गाइस जरूर से वीडियो को एंड तक जरूर देख के जाना। फाइनली दोस्तों आते ही बिलास गैंग पर हम लोगों ने जो है सीधा गोलियां चलाना बरसाना शुरू कर दिया है। अब गाइस आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर सारे के सारे जितने भी बंदे हैं, एक डॉग यहाँ पर स्ट्रेट अवे आ चुका है जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जंगली टाइप दिख रहा है। आप लोग देख पा रहे हो जो कलर कॉम्बिनेशन है वो इतना ज़्यादा खास नहीं दिखता इस रॉटवीलर पर, क्योंकि जो रॉटवीलर प्योर रॉटवीलर होता है उस पर दोस्तों ब्लैक और ऑरेंज कलर की लाइनिंग्स रहती हैं, ठीक है। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, मेरे को पता था कि जैसे ही मैं इनके ऊपर अटैक करूंगा इनका रॉटवीलर डॉग बाहर आ जाएगा, और हमने दोस्तों इसको अपने जाल में फंसा लिया है। फिलहाल तो दोस्तों देखो आगे कुआं पीछे खाई, अगर दोस्तों मैं इसको मारने में तुल जाता हूँ तो जितनी गोलियाँ हैं वो मुझे कहीं पर भी लग सकती हैं, जिसके कारण से दोस्तों मैं मर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन गाइस अगर मैं बंदों को मारने की कोशिश करता हूँ तो कुत्ता जो है पीछे से मुझे काटते जा रहा है, जिसका नाम दोस्तों रॉटवीलर आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो भाई मैं जो है सिचुएशन में फंस चुका हूँ, तो कैसे ना कैसे करके मैं हैंडल कर रहा हूँ अभी इस सिचुएशन को। पीछे से बार बार मेरे पिछवाड़ों में काटे जा रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही है। और अब आटा भी तेरा शाम टाइम आ गया, आप तेरे को बताता हूँ, रुक जा देखिए ले, अब सो जा। तो ओके गाइस फ्रैंकलिन ने ये वाली फीचर केज जो इसने ऑन कर दी है, तो आप लोग देख पा रहे हो गाइस यहाँ पर एक बंदा और बचा है, निकल यहाँ से, ठीक है। तो हम लोगों ने दो अपने डॉग जो हैं कैप्चर कर लिए, पहला देसी डॉग, दूसरा हम लोगों ने कैप्चर किया रॉटवीलर। तीसरा डॉग जो हम लोग कैप्चर करने वाले हैं वो है गाइस पिटबुल, और पिटबुल का जो पता है वो दोस्तों हमारे ट्रेवर दोस्त को पता है। तो ये जो तीनों जो पता वाली बातें हैं ये सब दोस्तों लेस्टर ने पता करके उनको बताई है, क्योंकि गाइस एक बंदे में एक ही दोस्तों जो है 4D डायमेंशनल केज जो है खुल सकता है, जो कि दोस्तों डायरेक्ट टेलीपोर्ट हो जाता है बाबा के पास पे, और वो वहाँ पे अपना जो है फोर्टिफिकेशन जितना जल्दी शुरू कर सके उतना जल्दी शुरू कर सकता है, ठीक है। तो ट्रेवर का ये कहना है कि उसका जो गोल्फ कोर्स में एक उसका दोस्त है वहाँ पे उसके पास एक रॉटवीलर है, तुम उसे मार के पिटबुल को ले सकते हो, ठीक है। तो अभी जल्दी से मैं जाता हूँ सीधा गोल्फ कोर्स में, ये रहा गाइस सामने की तरफ में गोल्फ कोर्स है। उसके बाद दोस्तों लेस्टर का ये कहना है कि जैसे तुम ये काम कर लोगे तुम्हें जाके ड्रेस चेंज करनी है, ब्लैक कपड़ों को पहन लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर बारिश शुरू हो जाती है इसका मतलब समझ जाना कि मॉडिफिकेशन शुरू हो चुकी है, और जैसे ही दोस्तों बारिश रुकती है इसका मतलब मॉडिफिकेशन एंड हो चुकी है, ठीक है। तो देखते हैं गाइस आज हम लोग सेंट बर्नार्ड GTA 5 के अंदर बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। सीधा मैं आ चुका हूँ सीधा गोल्फ कोर्स के अंदर, और जैसे गाइस मैं यहाँ पर आता हूँ मैं सीधा निकल जाता हूँ अपनी तीसरी खोज पर। तो जैसे गाइस मैं यहाँ पर तीसरा डॉग फाइंड कर लेता हूँ, आप लोग देख पर कैमरे से दिखाता हूँ, क्योंकि अगर मैं उसके पास गया तो उसका जो पिटबुल है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है, आप लोग देख पा रहे हो, और वो रहा उसका ओनर खड़ा वहीं पर, ठीक है। तो जैसे गाइस मैं यहाँ से अंदर गया मैंने डायरेक्ट दिया इसका सीधा अपर कट, जिससे उसकी जो है डायरेक्ट दोस्तों मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा उसकी जीप कट गई या फिर लग गई। लेकिन गाइस इसका जो पिटबुल है वो बहुत ही ज़्यादा डरपोक मेरे ख्याल से निकला, लेकिन है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, आप लोग देख पा रहे हो, मुझे तो भाई कुछ ज़रूरत थी। तो ये देखो गाइस भाग रहा है, मेरी स्टन गन का उतना रेंज नहीं है जितना ये भाग रहा है, पर मेरे पास सुपर जंप की पावर है जिसके कारण से मैं इसे 2 मिनट में पकड़ लूँगा, और उसके बाद ट्रेवर जो है 4D अपना केज खोल के इसे ले जाएगा। तो जैसे गाइस मैं आगे की तरफ में आता हूँ, पहला शॉट इसके बसता है बहुत तेज पीछे से, और ये गाइस जो है वहीं पर बेहोश टाइप होने लग जाता है। लेकिन गाइस इसमें दम कैसे है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये थोड़ा बहुत डर रहा है मेरे से, लेकिन 4 या 5 मैंने शॉट इसके दिए फिर भी ये खड़ा हो जा रहा है, इसका मतलब ये पिटबुल सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और आप लोग देख पा रहे हो 5-6 स्टन गन मैंने इसके मार दी है फिर भी दोस्तों ये खड़ा हो जा रहा है। लेकिन एंड में गाइस आप लोग देख पा रहे हो सीधा यहाँ पर ट्रेवर आ जाता है, और ट्रेवर इसको केज में पकड़ लेता है,
और अब ये दोस्तों केज जो है डायरेक्ट टेलीपोर्ट हो जाएगा सीधा पापा के घर में, और जिसने ये केज को खोला है वो भी दोस्तों डायरेक्ट टेलीपोर्ट हो जाएगा। और आप लोग देख पा रहे हो एज दोस्तों लेस्टर ने कहा था कि बारिश स्टार्ट हो जाएगी, जैसी गैस मैंने उसे मारा और वो टेलीपोर्ट हो गए, उसी के 5-6 मिनट बाद यहाँ पर दोस्तों बारिश जो है स्टार्ट हो चुकी है। और अब जल्दी से जाना मेरे को पॉन्स पॉय पर जाके कपड़े चेंज करने हैं, लेकिन उससे पहले कपड़े गीले ना हो जाए जिसके कारण से मुझे फिर से कोई कार को स्टील करना पड़ेगा। तो अभी आप लोग देख पा रहे हो गाइस मैं यहाँ पर आ चुका हूँ सीधा पॉन्स पॉय पर। फिलहाल मुझे एक कार तो यहाँ पर दिखी, लेकिन गाइस मैंने सोचा ये फरारी है, लेकिन गाइस यहाँ पर फरारी इतनी ज़्यादा आसानी से नहीं मिलती इस वाले एरिया में, ठीक है, हमें हाईवे वगैरह में जाना पड़ता है तब जाके मिलती है। लेकिन गाइस पॉन्स पॉय के आगे हमेशा से कुछ लग्जरी कार्स जो है वो ऑलवेज पार्क रहती हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो पर्पल कलर की काफ़ी तगड़ी मॉडिफाइड विद स्पॉयलर कार रखी हुई है, टार्ज़न द वंडरफुल कार आप लोगों ने देखी होगी, सेम कलर की है दोस्तों, ठीक है। तो जल्दी से इसको लेके चलते हैं, मैंने यहाँ पर इसको स्टील कर लिया है। अब आप लोग देख पा रहे हो इसमें जो है हॉर्न बजने लग चुके हैं, क्योंकि जब मैंने इसको स्टील किया तो गाइस हॉर्न बज जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये रईसों का इलाका है। यहाँ पर दोस्तों अगर रईस जो देखते हैं और अगर कुछ चोरी होती तो सब लोग फ़ोन करने लग जाते हैं। तो जल्दी से विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम लोग कपड़े पहनते हैं और मैं यहाँ से दोस्तों जो है कुछ भी काम अपना करके डायरेक्ट निकलता हूँ उस वाली बाइक से, सॉरी उस वाली कार से सीधा पापा के घर पर। अगर बीच पे बरसात रुक जाती है तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और जिसके कारण से आप लोग जो है डायरेक्ट मॉडिफाइड सेंट बर्नार्ड देख पाओगे, ठीक है। तो जैसे ही गाइस मैं यहाँ पर निकलता हूँ आप लोग देख पा रहे हो जी रहा गाइस सेंट बर्नार्ड में, आप लोगों को बता दूँ ब्रीड कैसी होती है, सबसे बड़े कुत्ते पाए जाते हैं उसके, ठीक है। तो जैसे ही गाइस मैं यहाँ पर पहुँचता हूँ सीधा जेठालाल के घर तक में, यहाँ पर दोस्तों जो है बारिश रुक जाती है। मतलब गाइस सीन सबसे अच्छा यहाँ पर लगा मुझे। अब देखते हैं गाइस क्या उसने चीज़ बनाई है, क्या वो वर्थ है, इतनी मैंने मेहनत की सुबह से और क्या सेंट बर्नार्ड हम लोग बना पाए। गाइस आप लोग ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। जल्दी से मैं अभी जाता हूँ वहाँ पर और देखता हूँ क्या उसने बनाया, क्योंकि मैंने उसे एक ही बात बोली थी कि डॉगों में सबसे बड़ा जो होता है वो होता है सेंट बर्नार्ड, सबसे बड़ी ब्रीड होती है साइज़ में भी और सबसे अच्छी ब्रीड होती है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो मुझे कॉल भी आ गया कि तुम्हारा काम कंप्लीट हो चुका है। अबे तेरी ऐसी की तू कौन है, मतलब बिना मार खाए तो जाना ही नहीं है। मैं इतना बड़ा हो चुका सूट बूट पहन रखे हैं, अब मैं सोच रहा हूँ नए कपड़े पहने हैं, कौन गन वगैरह चलाए, लेकिन इन्हें आके सीधा पंच ही करना है जैसे मैं पंच बैग हूँ कोई, ठीक है, कोई भी आके मुझे बजा के चला जाता है, लेकिन अपने आप को बजवाने नहीं देता भाई माइकल, सीधा जो है सीधा गन निकालता और डायरेक्ट सीधा हेडशॉट देता है, ठीक है। तो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है, देखते हैं गाइस क्या बनाया है। तो फाइनली ओके, तो ये चीज़ बनाई है भाई, मतलब पावर कूट कूट के अंदर डाल दिए एक बंदे को दोस्तों, सीधा खड़े खड़े खिसका दे रहा है। और ये देखो भाई, ओ भयंकर, ये क्या चीज़ बना दी भाई बाबा ने, मुझे समझ में नहीं आ रहा गाइस ये सच में भाई ये सेंट बर्नार्ड बनाया इसने, मतलब साइज़ का ध्यान दिया उसने, बस सिर्फ और सिर्फ साइज़ का ध्यान, ठीक है। उसने किया क्या, तीनों कुत्तों को एक कर दिया, जोड़ दिया, मतलब अब वो चलेंगे तो एक साथ चलेंगे, लड़ेंगे तो एक साथ लड़ेंगे। इससे दोस्तों ये पावरफुल तो सच में बहुत ज़्यादा हो गया, और तीन कुत्तों की वजह से मैंने इसको नाम दिया सेंट बर्नार्ड। गाइस आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर टिक कर लो। अब तीन कुत्ते अगर एक साथ चलें तो गाइस कितने बड़े हो जाएंगे, और सेंट बर्नार्ड का भी यही है, मतलब इसने गाइस दिमाग से काम लिया और गाइस मुझे नाराज़ नहीं किया। तो ये भी जो डॉग तैयार हुआ है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल दिख रहा है गाइस, आप लोग देख पा रहे हो तीन कुत्तों का हम लोगों ने एक में मेल कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डॉग बन गया, और इसलिए गाइस मैंने इस डॉग को नाम दिया सेंट बर्नार्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल।